अलहम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन और अरबी दाल के खट्टा सालन हैदराबादी स्टाइल में। चलो देखते हैं कैसा बनाना है। ये आधा किलो मटन ले ली हूँ, इसको अच्छे से धो के साफ कर ली हूँ। और आधा किलो अरबी ली हूँ, इसको मैं छील के थोड़ा नमक डाल के रखी हूँ। और एक मुट्ठी मैं इमली ले ली हूँ, इसको भिगो ली हूँ। और डेढ़ चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ। और आधा बाटी सूखा खोपरा पीस ली हूँ, इसका पेस्ट बना ली हूँ। और तीन टमाटर ले ली हूँ, इसको बारीक काट ली हूँ। और एक बड़ी प्याज लेके इसको भी बारीक काट ली हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला ले ली हूँ, आधा चम्मच हल्दी ली हूँ। और दो चम्मच धनिया पाउडर ले ली हूँ, आधा चम्मच नमक ली हूँ, एक चम्मच मिर्च पाउडर ली हूँ। नमक देख के डालेंगे हम लोग को, मटन में भी डालने का इसके लिए। मैं कुकर ले ली हूँ, कुकर में मटन को डाल देती हूँ। डाल के इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल लेती हूँ, इसमें आधा चम्मच नमक डाल लेती हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी डाल लेती हूँ। मैं गैस पे रखती हूँ कुकर, इसमें है ना 3 से 4 सीटी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गैस, हमारा मटन गल गया है माशाल्लाह, अच्छे से गल गया है। अभी इसमें मैं अरबी को डाल देती हूँ। अरबी को डाल के मैं 1-2 सीटी लगा लेती हूँ, बस लगा के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं गैस पे एक टोप रख ली हूँ, उसमें 3 चम्मच तेल डाल ली हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं कांदे को डाल देती हूँ। डाल के इसको थोड़ा हल्का सा मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। ये देखो हल्का सा ब्राउन हो गया है हमारा कांदा, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देती हूँ मैं। डाल के इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ कच्चापन जाने तक। और ये खोपरे का पेस्ट भी डाल देती हूँ, छोटे खोपरे का। डाल के इसको अच्छे से भून लेती हूँ मैं कच्चापन जाने तक। मैं टमाटर को भी डाल देती हूँ मैं, और जो सूखे मसाले ली थी उसको भी डाल देती हूँ। डाल के उसको भी अच्छे से मैं पका लेती हूँ तेल छूटने तक, टमाटर अच्छा गल जाए हमारा। पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गैस, अच्छे से पक गया है हमारा मसाला, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। और ये मैं है ना 2 सीटी लगा ली हूँ अरवी को भी, नहीं तो उसको बहुत टाइम लगता अलग से पकाएंगे तो। इस तरह से बनाए ना तुरंत फटाफट बन जाता है। अभी इसको इसमें मैं सब डाल देती हूँ। निकाल लेती हूँ, डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके अभी इसमें थोड़ा मैं इमली का पल्प डाल देती हूँ, इमली का खट्टा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करके थोड़ा सा 1-2-3 मिनट पका लेती हूँ बस। ऑलमोस्ट पक गया है अभी हमारा सालन। थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ इसमें, डाल के भी 2 मिनट पका के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, पक गया है पूरा हमारा सालन अच्छे से। मैं आपको भी डिश आउट करके दिखाती हूँ, इतना ही गाढ़ा चाहिए बस। ये देखो गाइस, बनके तैयार हो गया हमारा मटन और अरबी का सालन, खट्टा सालन हैदराबादी स्टाइल में। आप भी ज़रूर ट्राई करना, और टेस्टी बहुत मज़े का बना है। एक बार मेरे कहने पे ट्राई करना और मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, दुआओं मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।